अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अडोब फायरफ्लाई। इसमें एक नहीं बहुत से एआई फीचर्स हैं। आज सबके बारे में अब आज सबका ओवरव्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अडोब ने जिम्मे जो एआई टूल दिया है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट टू इमेज, एक टेक्स्ट के थ्रू इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आज सिर्फ इनका ओवरव्यू होगा, नेक्स्ट वीडियो में एक एक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, साथ में इनको यूज़ करके भी देखेंगे। उसके बाद है जेनरेटिव फिल, आप सेक्शन करके उस सेक्शन के एरिया को किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी तरह की चीज़ से फिल कर सकती है। थर्ड पे है टेक्स्ट इफेक्ट, आप अपने टेक्स्ट को ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पे है जनरेटिव रीकलर, आप अपने पिक्चर्स को रीकलर कर सकते हैं। फोर्थ पे है स्केच टू इमेज, आपकी पिक्चर है आप उसको स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट पे है आपके पास 3D मॉडल की पिक्चर या स्क्रीनशॉट है, आप उसको एक रियलिस्टिक पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो ओवरव्यू हो गया एआई का। एआई में जितने टाइप के फीचर्स हमें अडोबी दे रहा है, वैसे तो बहुत सी वेबसाइट हैं, बहुत सी तरह के एआई टूल्स हैं, लेकिन अडोबी जो हमें दे रहा है वो ये सिर्फ 6 हैं, जो सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर और 3D आर्टिस्ट के ही इस्तेमाल में आ सकते हैं, और किसी मतलब जो डेवलपर वगैरह है उसके इस्तेमाल में नहीं आ सकते। तो ये तो हो गया वेबसाइट, वेब पे जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ये सारे टूल आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपने सिर्फ अडोबे की वेबसाइट पे जाना है, अडोबे फायरफ्लाई पे, आपको वहाँ पे सिर्फ साइन इन करना है और आप यूज़ कर सकते हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप के अंदर भी काफ़ी उन्होंने उसको एडवांस किया है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ खोल के। मैं अपनी कोई पिक्चर खोल लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली पिक्चर खोल लेता हूँ अपनी। अब मैंने इसको एक्सपेंड करना है लेफ्ट राइट दोनों साइड से, क्या करूँगा, सिर्फ मैं क्रॉप करूँगा और सिर्फ एंटर करना है। अभी यही खुद देखेगा इस पिक्चर के लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को फिल कर देगा, जो जिस तरह का सीन मेरे पीछे बना हुआ है उससे सिमिलर सीन, मिलता जुलता सीन भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है यही। तो वेटिंग फॉर रिजल्ट, आ जा। कभी कभी टाइम लगता है, जितनी बड़ी सिलेक्शन होगी उतना ही ज्यादा टाइम लेगा, और जितनी सिलेक्शन छोटी होगी उतना कम टाइम लेगा। क्या बात, देखिए यहाँ पे आपको एक एज नजर आ रहा है, आप कहेंगे ये तो उसने मतलब सही से इसको ब्लेंड नहीं किया। आपने करना क्या, सिर्फ डेंसिटी को आपने डाउन कर देना फुल, ये ले। क्या बात, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये ऐड कर दे एक बोट को, ऐड बोट, मैंने पहले भी बहुत सी पिक्चर को एडिट किया था, लेकिन जो मुझे थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगी वो मेरी यही पिक्चर थी, मैंने सोचा कि इसी को एडिट करता हूँ, बाकियों को बाद में देखी जाएगी। तो अभी भी हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी, हो गई। क्या बात, वाह, बोर्ड चेक करें, बोर्ड के शेडो और वाटर के साथ उसको जिस तरह उसने ब्लेंड किया है, औसम। इसमें तो उसने बंदे भी ऐड कर दिए हैं, नहीं ये बड़ी सही लग रही है। बोर्ड के साथ साथ मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऊपर, नहीं इधर एक जेट्स का ही आ जाए, एड जेट्स के कह दें या जेट्स के लिख दें, कोई मसला नहीं है। एआई बहुत समझदार है, अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है, वो समझ जाता है कि क्या कहा है उसको। और एक नहीं, एक एक इंस्ट्रक्शन की तीन तीन डिफरेंट वेरिएशंस भी आती हैं, यहाँ पे देखें इधर, एक दो तीन। अब जितनी बड़ी सिलेक्शन होगी उस हिसाब से वो ऐड करेगा जी। तो ये तो हो गया फोटोशॉप का यूज़। बाकी फोटोशॉप में और भी आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सिर्फ सिर्फ सिलेक्शन बनानी है, एरिया को सिलेक्ट करें,
और जो काम करना है वो ऐसे कहीं वो करके दे देगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ग्लासेस चेंज कर दूँ। मैंने इतने एरिया कर लिया सेलेक्ट इतना, और मैं ऐसे कहता हूँ चेंज ग्लासेस। अब यहाँ पे चलेगा पता कि वो कैसे देखेगा कहाँ कहाँ पे मेरी ग्लासेस आ रही है, कहाँ कहाँ पे नहीं आ रही है, और फिर देखते हैं उसका काम कैसे करता है काम। मैं काफ़ी हैरान था इसके AI के जो फीचर्स को देख के कि ये किस कदर एडवांस है। बहुत से आर्टिस्ट की जॉब खतरे में है, जो काम वो दिनों में करते थे वो ये तो खैर ओ तेरी एनक चेक करो मेरी। अपने बनवा लो वीडियो आगे बेचने पहले आप, ठीक है? चक्कर लगा रही है बार बार अंदर आगे बाहर आके। ये वाली एन कुछ खास लग रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाल भी कह दूँ इसे चेंज कर दे। लेट्स सी चेंज हेयर स्टाइल। मैं देख के हैरान हो गया था कसम से, इसने जिस कदर इतनी मतलब अच्छे तरीके से एंड ग्लासेस को चेंज किया है, और उसकी शेडोज, उसकी रिफ्लेक्शन, लाइट सोर्स, एक ही चीज़ उसने मैच की है इन्वायरमेंट के साथ। ये कुछ खास नहीं है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड AI, इतना गंदा हेयर स्टाइल। नो नो नहीं चाहिए। कितना अजीब लग रहा है वैसे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एड प्लांट्स एंड रॉक्स। सीन थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैं चाह रहा कि इसको थोड़ा सा फिल कर दें, रॉक्स या प्लांट्स का ऐड कर दें। मतलब आप जो इमेजिन करेंगे, जो आप सोचेंगे, आपने बस लिखना है और यही आपको उसकी 3 डिफरेंट वेरिएशन दे देगा। जो आपको पसंद आए वो यूज़ कर लें, अगर नहीं पसंद आती तो रीजनरेट कर सकते हैं, नो इशू, जितने दफ़ा मर्जी करें। अनलिमिटेड रिवीजन मिलेंगे आपको AI की तरफ से। ओ क्या बात। सी अब प्लांट्स तो यहाँ पे कभी उगेंगे नहीं, क्योंकि ये एरिया इस तरह का है, तो AI ने उस हिसाब से देखा है कि मैं यहाँ पे लकड़ी ऐड कर देता हूँ, साथ में थोड़े से पत्तियाँ लगा दूंगा उसके ऊपर। वैसे काम अच्छा किया है, क्या बात। रॉक ऐड हो गया, लकड़ी ऐड होगी, ये सही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इतने एरिया में ऐड सी प्लांट्स। वैसे इस कदर इसने मेरा हेयर स्टाइल बिगाड़ा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। इतना अच्छा हेयर स्टाइल था मेरा, इसने बिगाड़ दिया। वैसे मैं इस लेयर को हाइड भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी है। यहाँ से ये हेयर वाली लेयर बन गई है, उसने 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 उतने पार्ट को मास्क किया हुआ है। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, तो आपका ओरिजिनल हेयर स्टाइल आ जाएगा। क्या बात। सी प्लांट्स ऐड किए तो हैं, लेकिन थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, ये सही जी। तो देखा आपने किस कदर एडवांस और इतना अच्छा काम करके दे रहे हैं आपको। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने टाइप करना है और जो आप कहेंगे वो आपको करके दे देगा। इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ अपनी पिक्चर को किया है, नेक्स्ट वीडियो में चला मैं एक प्रोडक्ट ऐड आपको बना के दिखाऊंगा, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट्स की एक प्रमोशनल ऐड। आप देखते होंगे प्रोडक्ट के पोस्टर होते हैं बने बनाए, आपको नजर आते हैं, जिस तरह पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, इनके पोस्टर बने होते हैं। आपको उस तरह का मैं पोस्टर बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में विद AI। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। AI जिंदाबाद।